जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, फाइनली आपकी एमपीपीटी की काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। आप चेकआउट कर सकते हो ऑफिशियल साइट्स पर, लेकिन आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं कि कैसे आपको मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट कैसे कट करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, मोबाइल के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। मैं एक लिस्ट बना के रखी हुई है नंबर के अकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक है। आप देख सकते हो 103, 102, 100, आपके 98, 97, 96, 95, 88, 93, 92 नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस टाइप से आपके कॉलेजेस को फिल करें। जिनके 110, 115 प्लस हैं उनको कैसे कॉलेज को फिल करना है अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी चॉइस फिलिंग, आपको पता है। फ्री सीट्स पर कैसे कॉलेज को रखना है, पेमेंट सीट के कॉलेज को कैसे रखना है, और आपके जो बीएससी हॉर्टिकल्चर के कॉलेजेस हैं उनको कैसे रखना है, बीएससी फॉरेस्ट्री के कॉलेजेस को कहाँ रखना है, किस रैंक पे सेट करना है। मैंने मतलब जो लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर की है ये अपने जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें हॉस्टल फीस और उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे सेट किया हुआ है। आपको लिस्ट अभी दिखाऊंगा मैं तो। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर की अपडेट्स आती है, जॉब्स अपडेट्स आती है और जो भी आपकी अपडेट्स होती है छोटी छोटी, वो सारी मैं यहाँ पे वीडियोस के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो उसको लाइक बटन को प्रेस करना, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको पता होगा, एग्री जर्नी करके, तो वहाँ पे लगभग 3000 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हैं। तो लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जुड़ जाना। जॉब्स अपडेट पीडीएफ मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। और आपके टेलीग्राम जो आपका इंस्टाग्राम भी है मेरा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। और लिस्ट वगैरह मैं डाल दूंगा आपका टेलीग्राम पर, देख लेना। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो मैं आपको चॉइस फिलिंग बताने वाला हूँ उसको एक कॉपी और पेन में लिखते हुए चलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नंबर के बेसिस पर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको पहले ये बता दूं, जिनके भी नंबर 103, 102, 98 नंबर है, आपको पता है कि आप अगर चाहो कि मेरे को जबलपुर चाहिए, इंदौर चाहिए, ग्वालियर चाहिए, आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपका आप ज़्यादा से ज़्यादा ये देखो कि आपको कॉलेज मिल जाए बस, ठीक है। आप ये टॉप कॉलेजेस की साइड मत भागना, क्योंकि मार्क्स आपके ऑलरेडी कम है। तो आप ये दिमाग में थॉट रख के चलो कि कॉलेज मिल जाए बस। तो जेएन के भी आप फर्स्ट नंबर पर रख सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री नहीं, बीएससी एग्रीकल्चर पेमेंट सीट। नेक्स्ट आपका इंदौर बीएससी एग्रीकल्चर आप फिल कर सकते हो, इंदौर जो आपका कॉलेज है बहुत अच्छा कॉलेज है, पेमेंट सीट। नेक्स्ट आपका ग्वालियर हो गया, इसको आप बीएससी एग्रीकल्चर पेमेंट सीट। नेक्स्ट आपका नंबर 4 पर रैंकिंग भी देखते हुए चलना, रीवा। नंबर 5 पर आप देख सकते हो सीहोर, आपका जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए पेमेंट सीट, आईसीआरएस एप्लीकेटर सब कैंपस है। नेक्स्ट आपका टीकमगढ़ बीएससी एग्रीकल्चर पेमेंट सीट, ये भी आपका आईसीआरएस अप्रूव्ड सब कैंपस है। खंडवा बीएससी एग्रीकल्चर पेमेंट सीट जो कि आरबीएस केबीबी का सब कैंपस है, बहुत अच्छा सब कैंपस है, टीकमगढ़ के बाद इसकी रैंकिंग आती है। नेक्स्ट आपका पवारखेड़ा हो गया बीएससी एग्रीकल्चर जो कि आईसीआर से अप्रूव्ड है आपका। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है बालाघाट बीएससी एग्रीकल्चर जो कि आपका पेमेंट सीट पे फिल करना, ठीक है। सारे कॉलेज को पेमेंट सीट पे फिल करते हुए चलना। मैं क्यों बता रहा हूँ पेमेंट सीट पर, क्योंकि आपकी 12वीं में 70% टॉप होगी, अधिकतर स्टूडेंट्स की होती होती है, तो फीस आपकी सारी रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट आपका गंज बसोदा हो गया, फिर खुरई हो गया पेमेंट सीट पर, फिर पन्ना बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपका पेमेंट सीट पर इसको फिल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी सारी फीस रिटर्न हो जाएगी। आप 24-25 हज़ार जितनी भी भरोगे सब कुछ आपका रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फ्री सीट को चूज करना है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर नहीं डालना है, इसके बाद आपको फ्री सीट को चूज करना है। जेएनकेबी भी फ्री सीट, इंदौर फ्री सीट्स, ग्वालियर फ्री सीट्स, रीवा आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की फ्री सीट्स, सीहोर फ्री सीट्स, टीकमगढ़ खंडवा फ्री सीट्स, पवारखेड़ आपको फ्री सीट पर डालना है। वही सेम पैटर्न, बालाघाट फ्री सीट, गंज बसोदा आपकी फ्री सीट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो गया खुरई बीएससी एग्रीकल्चर फ्री सीट, पन्ना एग्रीकल्चर फ्री सीट। ये पैटर्न आपको जो मैंने शुरुआत में बताया था वही बिल्कुल सेम आपको पेमेंट सीट का रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री सीट का रखना है। अभी आपको बीच में कहीं भी हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट के कॉलेजेस को नहीं चूज करना है, ठीक है। बहुत अच्छी चॉइस फीलिंग है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी चॉइस फीलिंग है और फिल करो भाई इनको। नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर में जो आता है वो हॉर्टिकल्चर मंदसौर आप भर सकते हो फ्री सीट पर, हॉर्टिकल्चर मंदसौर आपका पेमेंट सीट पर, मंदसौर आपका टॉप का कॉलेज है हॉर्टिकल्चर में। फिर रहली आपका फ्री सीट पर, फिर हॉर्टिकल्चर रहली आपका जो है पेमेंट सीट पर, फिर छिंदवाड़ा आपका हॉर्टिकल्चर फ्री सीट पर, फिर छिंदवाड़ा पेमेंट सीट पर, और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, बीएससी फॉरेस्ट्री आपको डालना है फ्री सीट, और इसके बाद नेक्स्ट आपका पेमेंट सीट। तो ये आपकी चॉइस फिलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जितने भी आपके इतने नंबर जो 98, 90, 102, 103 नंबर के स्टूडेंट्स हैं उनकी चॉइस फिलिंग आपके इतने कॉलेजेस, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि भैया पेमेंट सीट नहीं डाले चलेगा क्या। देखो, कॉलेजेस आपको सारे फिल करने पड़ेंगे, ये चॉइस फिलिंग आपकी लॉक ही नहीं होगी अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, ऑप्शन ही नहीं आपका आगे आएगा।
स्टेप आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको कॉलेजेस सारे फिल करने पड़ेंगे इतने मार्क्स के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी चॉइस फीलिंग है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो इसको आप लिख लेना अपने कॉपी पेन में, ठीक है, फ्री एंड पेमेंट का। नेक्स्ट आपके हम बात करने वाले हैं जो जिनके नंबर 105, 108, 115, 112 के आसपास हैं, या 115 तक, 114, 112 ऐसे अगर जिसके भी नंबर हैं, तो उनको किस टाइप से कॉलेजेस को फिल करना चाहिए। देखो उनका भी आपको, वो भी टॉप कॉलेजेस को चाहे जनरल कैटेगरी में, किसी का 110 है वो जबलपुर जाएगा तो नहीं जा पाएगा, तो थोड़ा सा आपको भी सोच समझ कर चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। आप ये मत देखना कि नंबर मेरे बहुत अच्छे हैं और मेरे को बहुत टॉप कॉलेज मिल जाएगा, थोड़ा सा ये भी आपको सोचना है, ठीक है। सारे फैक्टर मैटर करते हैं। इंदौर आपका फ्री सीट, इंदौर पेमेंट सीट, आरबीएस के भी आपका गोल है फ्री सीट पेमेंट सीट, रीवा आपको क्या करना है फ्री सीट्स और पेमेंट सीट, फ्री पेमेंट फ्री पेमेंट, सीहोर आपका फ्री सीट और फिर पेमेंट सीट, टीकमगढ़ आपका फ्री सीट फिर पेमेंट सीट, जो आपका खंडवा कॉलेज है ये भी आपका फ्री सीट और फिर पेमेंट सीट, पवारखेड़ा भी आपका फ्री सीट्स और पेमेंट सीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो प्रोसेस है बालाघाट फ्री सीट और बालाघाट पेमेंट सीट। नेक्स्ट आपका जो गंज बसुदा कॉलेज है ये आपको क्या करना है फ्री सीट और पेमेंट सीट, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए गंज बसुदा, ये भी आपका आईसीआर से अप्रूव्ड सब कैंपस है, ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट जाते हैं आईसीआर से, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कैंपस है बालाघाट, ये रैंकिंग सेट की हुई है मैंने, ठीक है। ये भी देखते हुए चलना कि हॉस्टल कहाँ पे है और कौन सा कॉलेज अपने को फर्स्ट फ्लोर मिलने के ज्यादा चांसेस है, ये रैंकिंग के हिसाब से कौन कॉलेज बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपका खुरई चूज करोगे आप फ्री सीट पर पेमेंट सीट पर, यहाँ पे आपका कॉलेज अवेलेबल नहीं है, छोटी सी बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स का ट्रांसफर हो जाता है सारी गर्ल्स का, ठीक है, पबारखेड़ा कहीं भी। पन्ना का आपका फ्री सीट्स फिर पेमेंट सीट है ना। नेक्स्ट आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर का भी आपको सेम रखना है फ्री सीट्स और पेमेंट सीट, रहली का आपको फ्री सीट और पेमेंट सीट, छिंदवाड़ा फ्री सीट्स पेमेंट सीट, लास्ट में बीएससी फॉरेस्ट्री का आपको क्या करना है फ्री सीट्स और पेमेंट सीट। ये बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है चॉइस फिलिंग करने की, ठीक है। ज्यादा आप अगर इसमें अपना दिमाग लगाओगे तो गलती कर बैठोगे, ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जल्दी जल्दी के चक्कर में चॉइस फिलिंग मत करना, आपके पास बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको पता है अभी आज 1 तारीख है और 15 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चलना है, तो गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी है ऐसा नहीं करो चॉइस फिलिंग, लेकिन पेमेंट मत करना, ठीक है। चॉइस फिलिंग कर लो, पेमेंट मत करना, पेमेंट आप कभी 12, 10, 11 तारीख को भी पेमेंट कर लेना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट में आप पेमेंट कर सकते हो कंप्लीट होने के बाद, लेकिन अभी फिलहाल में जल्दी जल्दी के चक्कर में आप सारे कॉलेज को फिल करके, और ऐसा मत करना कि आप बस पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दोगे तो फिर आपका क्या होगा कि आप दोबारा चॉइस फिलिंग को एडिट नहीं कर पाओगे। और इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने कल भी आपको बताया था लाइव सेशन में कि आपको जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है उसको फर्स्ट पे रखना है, फॉरेस्ट्री को गलती मत कर देना कि आप बीएससी फॉरेस्ट्री को फर्स्ट नंबर पे रख दो, इसको थोड़ा सा आपको देखना है। मैं अभी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मोबाइल से कैसे रजिस्ट्रेशन, कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हो, आपको नेट कैफे पे जाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके गाँव से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में एक एक चीज़ को समझाने वाला हूँ, लेकिन आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और जिनको भी अभी थोड़ा कुछ इशू आ रहा है तो वेबसाइट और आपकी वेट करो, ठीक है, जल्दी एक्टिव हो जाएगी। अगर देखो मैं अभी फिलहाल में ट्राई किया था, चॉइस फिलिंग हो रही थी, लेकिन जिन भी स्टूडेंट को इशू आ रहा है तो थोड़ा और वेट करो, क्योंकि आपका सर्वर इशू हो सकता है 12 बजे के बाद यहाँ पे आपका जो है वेबसाइट ओपन हो जाए। बाकी वेट करो, टाइम आपके पास बहुत है, और गलती मत करना चॉइस फिलिंग करने में। देखो और मैंने जो चॉइस फिलिंग आपको बताई हुई है, इसमें आपको लग सकता है कि नहीं भैया मेरे को तो कुछ भी हो जाए बालाघाट ही चाहिए, कुछ भी हो जाए पवारखेड़ा ही चाहिए, तो फिर आप अपनी प्रायोरिटी में अपने फर्स्ट कॉलेज को रख सकते हो फ्री पर या पेमेंट पर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको वही कॉलेज चाहिए, ओनली वही चाहिए, तो फिर आप प्रायोरिटी में उस कॉलेज को रख सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग कैसे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कैसे कॉलेज को बढ़ना चाहिए रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे तो ये जो रैंकिंग मैंने बताई है बहुत अच्छी है, आप इस टाइप से चॉइस फिलिंग कर सकते हो सारे कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से। बाकी आपको डाउट आता है तो मैंने बताया ना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आपका अपना चैनल है एग्री जर्नी, तो इसको सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट आपके रजिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।